महाराष्ट्र के वर्धा में भूगांव स्थित उत्तम स्टील वैल्यू में आज सुबह 11:45 बजे हादसा हुआ। हादसे में 34 कर्मियों के झुलसने की खबर है, जिसमें से 6 कर्मियों की हालत चिंताजनक बताई गई है। 4 कर्मियों को उपचार हेतु नागपुर भेजा गया है। अन्य घायलों को सेवाग्राम व सावंगी के अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना के उपरांत जिलाधिकारी विवेक भीमनवार समेत पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उत्तम गलवा मेटालिक ग्लास फर्नेस यूनिट में शटडाउन का काम शुरू था। इसी दौरान अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें वहां कार्यरत 34 कर्मचारी आग की चपेट में आ गए। सांसद रामदास तरस ने कंपनी के अधिकारी व जिलाधिकारी विवेक भीमनवार को फोन पर चर्चा कर घायलों की जानकारी लेकर उन्हें कंपनी द्वारा उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।